आज हम एग फिश मसाला फ्राई बनाने जा रहे हैं। देखते हैं वो कैसे बनता है। एग मसाला फ्राई बनाने के लिए हमें लगेंगे, ये फिश एग है, लगभग 250 ग्राम है, हरा धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको कूट के मैंने लिया है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे हरा धनिया पीस के इसका पेस्ट बनाया है, और ये हरी मिर्च को भी पीस के पेस्ट बनाया है। फ्राई करने के लिए तेल, दो प्याज मैंने बारीक काट लिया है, और एक टमाटर और तीन हरी मिर्च। सबसे पहले हम इस एग को, फिश एग को ऐसे इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे चम्मच से, इजीली टूट जाता है ये, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे चम्मच से दबाइए, या फिर आप हाथ से भी दबा सकते हैं। ये सब टूट चुका है अभी। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया, गरम मसाला और धनिया पाउडर है ये, और नमक, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सारे सूखे मसालों को हमने इसमें मिला लिया है, अब एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट के जैसा हो गया है। बस अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक रख देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें, अब हम टमाटर और प्याज डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। प्याज और टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा नरम पड़ गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे अच्छे से सौटे कर लेते हैं। हरा धनिया का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे, वाह, प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं मसालों के साथ, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इन्हें पकाना है। बहुत अच्छे से मसाला की खुशबू आ रहा है, अच्छे से अभी ये सॉफ्ट अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें ये फिश एग जिसमें हम लोग मैरिनेट करके रखा था हरा मसाला गरम मसाला के साथ, अब हम इसे मिला लेते हैं। अब अच्छे से मसालों में इसे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें इसे ऐसे भून लेना है। अब ये देखिए गरम होते साथ वो मसाले में उस फिश का एग ऐसे फटने का आवाज़ आ रहा है, धीरे धीरे रोस्ट हो रहा है इसका मतलब। अब हमें इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल मध्यम आंच पे इसे हमें पकाना है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं, वाह, अभी देखिए ये फिश एग अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल उसका सब चेंज हो गया है, अंडा ऐसे पूरे एग पूरे बाहर ऐसे निकल रहे हैं। अब आप थोड़ा गैस का फ्लेम तेज कर सकते हैं इस समय, और तेज आंच पे हम इसे लगातार भूनना है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। अब हम देख लेंगे, वाओ, बहुत अच्छा से बन चुका है अभी ये। बस अब हमारा ये एग फिश
मसाला फ्राई बन चुका है, खाने में बहुत टेस्टी है, खुशबू बहुत अच्छे से आ रहा है। इसे बनने में हमको 15 से 20 मिनट तक लग गए थे, धीमी आंच पे था, अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा है ये। इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, रोटियों के साथ आप खा सकते हैं। ये मसाला हमारा बन चुका है। लीजिए अब हमारा एग फिश मसाला फ्राई बन चुका है, खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत लज्जतदार है, लजीज है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, धीरे से बनाइए, सावधानी पूर्वक, क्योंकि गैस का फ्लेम पे ध्यान रखेंगे बाकी सब बन जाए। अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।